नमस्कार, आप सबका स्वागत है अंग्रेजी मेला यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं गेट का प्रयोग। हाँ जी, जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तो बोलते बोलते कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो कि आप सोचने लगते हैं कि अरे इसका सेंटेंस क्या होगा, फिर आपके दिमाग में कुछ रहता नहीं है। तो वैसे ही सेंटेंस आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी ही मतलब क्या बोलें इम्पोर्टेंट रहेगा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए और डेली इस्तेमाल होने वाले वो वाक्य है जो आप अपने ऑफिस में, कार्यालय में, कहीं भी अपने मित्रों के साथ या कहीं अपने घर में, सब जगह उसका इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं उसका प्रयोग। हाँ, तो उसका प्रयोग है क्या बताऊं? गेट। हाँ जी, गेट का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है इंग्लिश बोलचाल में। अब मैं कुछ सेंटेंस बताऊंगा आप लोगों को। अगर आपको, अगर आपसे कोई बोले अपना बाल कटवा लो, अपने कपड़े साफ करवा लो, तो आप तो सुनकर हैरान हो जाएंगे, अरे क्या बोल रहे हैं, अपना कपड़ा साफ करवा लो, अपना बाल कटवा लो, उसे बुलवा लो। तो आप तो सोचेंगे अरे यार उसे बुलाओ पड़े हैं, कॉल हिम, कपड़ा साफ करो, वॉश द क्लोथ, ऐसे पड़े हैं। लेकिन ये कैसा वाक्य है? हाँ जी, तो देखिए ये कैसा जादू है आपके लिए। तो अगर आपसे कोई बोलता है अपना बाल कटवा लो, तो आप क्या बोलेंगे? गेट योर हेयर कट। ओके, अपना कपड़ा साफ करवा लो, गेट योर क्लोथ वॉश्ड, पानी मंगवा लो, गेट वाटर ब्रॉट। ओके, उसे बुलवा लो, गेट हिम कॉल्ड, उसे पिटवा दो, गेट हिम बीटन। अब समझ में आया? अब इसका एक आपको नियम बता देता हूँ। पहले होता है गेट, आप लगाओ, गेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाओ। ओके, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा लो। ठीक है, जैसे अपना बाल कटवाओ, गेट, गेट हो गया नियम के अनुसार। उसके बाद अब क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? बाल। किसका बाल भाई? अपना। तो गेट योर हेयर। ओके, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कट, राइट। अपना कपड़ा साफ करवा लो, तो गेट हो गया, फिर योर क्लोथ, ठीक है, तो योर क्लोथ ऑब्जेक्ट हो गया, फिर वॉश का वॉश्ड। आप समझ गए? ऐसे ही आप गेट का प्रयोग बोलचाल की भाषा में कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप किसी को डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट आदेश देंगे, आज्ञा देंगे, जैसे उसे बुलवा लो, उसे बुलवा लो, मतलब उसे बुलाओ मत, उसे बुलवा लो, तो क्या बोलते हैं? गेट हिम कॉल्ड। ओके, छुट्टी करवा दो, कुछ कर्मचारी नियुक्त करवा लो। बात समझ में आ रही है? ऐसे सेंटेंस का प्रयोग आप गेट का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। इसके अलावा और कुछ है, जैसे कि आई गॉट यू, मैं समझ गया। ओके, आई एम गेटिंग, मैं समझ रहा हूँ। तो गेट बहुत ही पॉपुलर है, इसका आप प्रयोग करें और अपने कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत करें। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे इस वीडियो को देखे। और मैं आपसे नम्र निवेदन ये भी करूँगा कि कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और मेरे अंग्रेजी यूट्यूब मेला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका धन्यवाद।